गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक न्यू वीडियो में आप सबको स्वागत है। तो आज मैंने सुबह सुबह काम की मूड है तो मैं काम पे लग गई हूँ। तो ये मेरा स्टोर का काम करना था। बड़े बर्तन सब मैंने ऊपर ये बीच वाले खाने में रखे ढक दिए हैं और नीचे मेरे यूज़ करने वाले बर्तन हैं और ऊपर वाले चूल्हे वगैरह सब निकाल लिए हैं, रिपेयर के लिए रखूँगी। ये देखो रखा हुआ है। और ये जो ट्रॉली आप देख रहे हो ना, इसमें मैं प्याज रखती थी, ये कम से कम 24 साल पुरानी है। अभी इसको रिजेक्ट करूँगी। और तो ये थोड़ा सा काम करके मैं चली गई थी बाहर। ये पुरानी जो बर्तन पड़े थे ना फटे हुए, उसको एक्सचेंज करके ये कटोरे मिली और कुकर का बोला कुछ नहीं हो सकता, इसको रिपेयर में पैसा मत डालो, और साथ में आइसक्रीम लेके चली आई। अभी एक्चुअली मैं और बाबू जा रही हूँ बाबू के फ्रेंड के घर। ये जो सोसाइटी आप देख रहे हो ना, ये सिलवासा की सबसे पुरानी सोसाइटी है। इसके आज जब हम सिलवासा में आए थे तभी इस सोसाइटी के आसपास ही कई मतलब मेरे हस्बैंड अकेले रहते थे, तब इस सोसाइटी के आसपास ही हम रहते थे, बट इस सोसाइटी के बारे में पता नहीं था हमें। आज पहली बार मैं इतनी अंदर गई हूँ इस सोसाइटी के, देखा कि काफ़ी ही बड़ा सोसाइटी है। एक लगभग एक गांव बैठता है इसके अंदर। देखो इतना बड़ा है कि लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे स्कूल भी खोल लिया है। ये फ्लैट ही है ग्राउंड फ्लोर वाला। मुझे तो पहले लगा था कि ये खिलौना है, बैटरी से चल रहा है। सच में ना ये सच्ची है ना? सच्ची है ना? ये खिलौना नहीं है ना? रवि है। कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है? वो मेल है, ये अच्छा, ये मेल है। डोडो टोटो। अच्छा डोडो, और ये टोटो। ये डोडो और ये टोटो। अच्छा हाँ। इसको छोड़ो, ये काफी सीरियस के नाम रख लिए हैं। जब बच्चे होंगे तब क्या रखेंगे? बहुत सोच सोच के नाम रखा है। फिर नाच में टोटो, उनके बच्चे होंगे तब क्या रखेंगे? लोटो लोटो बोटो फैमिली नेम सब। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैंने सोचा था आज व्लॉग नहीं बनाऊंगी, आज का व्लॉग ही कल कंटिन्यू करूंगी। अभी हम मैं आई थी बेटू के फ्रेंड के घर। वो लोग मुंबई से पॉम्फ्रेट लेके आए थे तो फ़ोन किया था आपको चाहिए क्या, तो फिश के नाम पे तो हम उछलते हैं। तो हम आ गए उसके फ्रेंड के घर, उनकी सोसाइटी में। ये जो सोसाइटी है ये सिलवासा की सबसे पुरानी सोसाइटी है। तो फिश ले लिया हमने, अभी हम घर वापस लौट रहे। हमने ऐसा सोचा कि चलो बाहर निकले तो माँ बेटा दोनों बाहर से ही खाना खा के फिर जाएंगे। हस्बैंड को तो खिला दिया खाना, दोनों बाहर से खाना खा के फिर जाऊंगी। मैं ये करने वाली थी बैगन का भरता, तो बैगन आधा से जला हुआ बैगन छोड़ के आई हूँ घर में, बाकी घर जाके जलाऊँगी। यहाँ पे आए हैं अभी डिनर करने। यहाँ का डोसा और ये तवा पुलाव मुझे बहुत पसंद है। तवा पुलाव मुझे बहुत पसंद है यहाँ का। भीड़ है भाई, आज बहुत भीड़ है। जगह मिलने पे भी टाइम लगा। जो ऑर्डर दिया है छोले भटूरे और तवा पुलाव ऑर्डर किया है, आने में भी टाइम लग। डकार आ रही है, बिना खाए डकार आ रही है। देखो पूरी का साइज, देखो दो पूरी है, ये छोले, ये तवा फ्राई। बहुत कुछ हम खा चुके हैं, मतलब कुछ मीन्स तवा फ्राई, बहुत कुछ मीन्स बहुत इससे हिस्सा तवा फ्राई का हम खा चुके हैं। भूख जबरदस्त लगी थी ना, इसलिए एक बार फिर से दिखा देती हूँ पूरे की साइज। ये देखो वो बैगन जिसको आधा जला हुआ छोड़ के गई थी, उसको पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। और ये वो आइसक्रीम,
जिसको अभी खाने का टाइम हो गया है। इसके साथ 5 रुपया छुट्टा नहीं था, तो 5 रुपया वाला अमरुद का छोटा सा इतना आइसक्रीम आता है वो एक दिया था, वो तो हम लोगों ने खा लिया, तीनों बांट के खा लिया। पहले वॉइस ओवर में मैंने आप लोगों को बोला है कि मेरे हस्बैंड अकेले रहते थे, तो फिर हम कैसे हो गए, हम मतलब मैं वीकेंड में आती जाती रहती थी, हर छुट्टियों में आती जाती रहती थी, तब भी मैं स्कूल में जॉब करती थी और मेरा बेटा भी एक्सपेरिमेंटल स्कूल में पढ़ता था, 4th स्टैंडर्ड तक एकदम प्ले ग्रुप से लेके 4th स्टैंडर्ड तक उसी स्कूल में पढ़ा है, उसी स्कूल में उसका एडमिशन था, इसलिए हम लोग भी तुरंत ऐसा डिसीजन ले नहीं ले सकते थे कि तुरंत हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। तो ये देखो आज मेरे घर एक और नया मेहमान आया है, ये मेरे हस्बैंड का लैपटॉप नया आया है आज एक और, तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसा हुआ है, बताना ज़रूर। तो यहाँ से हम सीधा पहुँच जाते हैं संडे है मदर्स डे, तो मदर्स डे के लिए मेरा बाबू मेरे लिए केक बना रहा है, ये मैंगो केक है, नहीं मस्त सुगंध आ रही है ना इसमें से, बाहर से ही आ रही है, इधर खोलेंगे तो और आएगा, पूरा घर भर गया इसकी सुगंध से। ছুরিটা বসিয়ে দে, ঠিক আছে, তো সুন্দর গন্ধ হয়ে দিয়েছে না, হ্যাঁ না সুন্দর গন্ধ হয়ে দিয়েছে না, মস্ত হয়েছে, অ্যাকচুয়ালি বাটার পেপারের দরকার ছিল, নেক্সট টাইম আরো ভালো করে প্রিপারেশন করে আরো ভালো করে বানাবে না, उसकी दिशा उस गेंद अनुसार तय करते हैं शॉट की, थोड़ा पक तो ये अच्छा ही है, आई होप कि तीन चौके लगा चुके हैं, निश्चित दर का चिल्ला तो कवर ड्राइव पे आया, एक लेग स्टंप ड्राइव के लिए वो बदलाव किया फील्ड में, मारो सॉफ्ट हो जाए ना, सॉफ्ट तो इतना गेंद पूरा पाकी नहीं, एक दिन बहुत कॉम्पैक्ट है, शी होप